जो किसान भाई अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, तो उस भिंडी का बहुत से किसान उत्तर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना शुरू कर देते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं। ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें पीत सिरा मोजैक वायरस, जैसे YBMV, जिसमें आप देखते हैं पत्तियों की सिराएं जो होती हैं वो सिराएं पीली हो जाती हैं, पड़ने जाती हैं, तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिस इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रजातियों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पूसा संस्थान ने अभी पूसा भिंडी 5 प्रजाति विकसित की है, इसका काफ़ी व्यापक तरीके से बीज उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने तमाम क्षेत्रों में और पूरे भारतवर्ष में इसका बीज उत्पादन कर रहा है और आपको इसके केंद्र पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारा क्षेत्रीय केंद्र है जहाँ पर करनाल में, तो यहाँ पर भी आप इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसान भाई हमेशा मेड़ों पे लगाएं। गर्मी के मौसम में किसान भाई समतल भूमि पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वर्षा कालीन में क्या होता है कि अगर पानी खेत में लग गया या भिंडी जस जमी है आपकी अतही पानी लग गया तो आपका सारे पौधे मर जाते हैं, इसलिए मेढ़ों पर करेंगे। इसके लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। आजकल मशीनें हैं जिसमें रिज मेकर होता है, 60-60 सेंटीमीटर पे 2 फीट की दूरी पर आप रिज बना लीजिए, पैकर से आप पैक कर दीजिए और उसमें लाइन भी खींच जाती है, तो लाइन बना करके उसमें लाइनों में बुआई करिए। लाइनों में जब बुआई करते हैं किसान भाई तो आपका जमाव बहुत अच्छा होता है और निराई गुड़ाई और जितनी शस्य क्रियाएँ आप करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो बीज आपने किसान भाइयों ने प्राप्त किया है उसका शोधन भी करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप क्या करेंगे, बीज को आप 8 से 10 घंटा भिगा देंगे, तो 8 से 10 घंटे के बाद उसको बीज को निकाल करके पानी अलग कर लेंगे और बीज को किसी जो आपका जूट का बोरा होता है या किसी कपड़े के थैले में उसमें रख देंगे। उसमें थोड़ा सा 8-10 घंटे बाद अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए तो उसी समय बीज को आप थीरम एक दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें अच्छे से मिला लेंगे पाउडर को। जो किसान भाई कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, इसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे। फिर इनमें से एक दवा का उपयोग आप करके अपने बीज को उपचारित कर लीजिए और पहली सिंचाई कोशिश करा करिए आप कि 8 से 10 दिन के बाद जब बीज थोड़ा सा ऊपर पौधे थोड़ा सा जम जाए ऊपर आ जाएँ तो करा करिए। और एक बुआई के तुरंत बाद एक प्रक्रिया और करनी है किसान भाइयों को, बुआई के तुरंत बाद एक पेंडीमेथिलिन दवा होती है जो आपको खरपतवारों से आपकी फसल को बचाती है, क्योंकि आपकी फसल में खरपतवार पहले से होना शुरू हो जाते हैं और आपका बीज का बुआई बाद में होती है। तो ऐसे में आप 3 लीटर करीब 500 से 600 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडीमेथिलिन दवा को मिला करके बुआई के तुरंत बाद खेत में जमीन पर उसको मिलाना होता है, जिससे इसकी पूरी लेयर बन जाती है और जो प्री इमरजेंस बीड होते हैं जो अभी जमाव कर रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं ऊपर। तो इस तरीके से आपके फसल में काफ़ी आपको खरपतवारों से बचाव हो जाएगा और जो भी पोषक तत्व आपने अपने फसल के लिए रखे हैं आपके पौधे प्राप्त करेंगे।